क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, पेज नंबर 124। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व एग्जांपल, ठीक है, पहले सॉल्व एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंगल सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो गए ना, खाली हम लोग वही रिकॉर्ड करेंगे, कैश का आना और कैश का जाना। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये भी, ये दिखता है लेजर जैसा है, बट ये है क्या, ये भी जर्नल ही है। जब क्या होता है मालूम है, किसी छोटी मोटी कंपनी है उसके ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं, है ना, छोटी मोटी कंपनी अगर है तो उसके ट्रांजेक्शन क्या होंगे, कम होंगे। तो वो लोग नॉर्मल जो आप लोगों ने जर्नल सीखा है उसमें अगर रिकॉर्ड करेंगे तो भी चलता है, बट बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है ना, तो वो लोग क्या करती हैं, हर एक जर्नल के लिए अलग से बुक बनाती है, जैसे कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट बुक, ठीक है, फिर जर्नल प्रॉपर, पेटी कैश बुक छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए। तो वो सब हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है, सब्सिडियरी बुक, न्यू सिलेबस, है ना। ये हम लोग टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है उससे कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट में क्या रहेगा, सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट में डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब कैश कम्स इन, जब भी कैश बिजनेस में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। आर नंबर मतलब क्या होता है, रिसिप्ट नंबर, एल एफ मतलब लेजर फॉल्यू, अमाउंट, डेट, पेमेंट, बी मतलब क्या होता है, वाउचर नंबर, एल एफ मतलब लेजर फॉल्यू और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, 2019 मार्च 1, यहाँ पे लिख लो 2019 मार्च 1, यहाँ पे 2019 मार्च, कैश इन हैंड, ऑलरेडी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। कैश इन हैंड का मतलब क्या है, ऑलरेडी हमारे पास कैश है, तो कैश की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट, पहले सुन के रखो। यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2000, समझे। इसके लिए डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर नेक्स्ट क्या है, 5 तारीख को कैश पेड टू सुरेश, सुरेश को हमने कैश पे किया है, पेमेंट में आएगा ना, सिंपल है, पैसे जा रहे हैं, तो 5 तारीख बाय। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, तो रिसीव साइड में क्या लिखेंगे, टू, और पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे, बाय। किसको पे किया, सुरेश को, सुरेश को, ठीक है। कितना पे किया, 1000, ठीक है। डायरेक्शन क्या लिखोगे, Being paid to Suresh, ठीक है। नेक्स्ट अभी कैश परचेज, तो परचेज करोगे तो पैसा आएगा नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। कितनी तारीख है, 7 बाय, परचेज है, कितने का माल परचेज किया, 500, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। नेक्स्ट 14 तारीख रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश, रिसीव्ड मतलब कहाँ पे आएगा, रिसीव्ड में, कितनी तारीख है, 14 टू प्रकाश, कितना मिला हमें, 1000, नरेशन कैश रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, कैश सेल्स, सेल करोगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे या जाएंगे, जाएंगे, और क्या सेल किया होगा, कैश सेल किया होगा, गुड सेल किया होगा, गुड सेल किया होगा, किसके लिए, कैश के लिए, ठीक है। तो इसमें पैसे आएंगे, परचेज में पैसे जाते हैं, तो सेल्स में क्या होते हैं, पैसे आते हैं, 16 टू सेल्स, कितने का माल बेचे, नरेशन इसका क्या रहेगा, कैश
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 20 तारीख पेड कैरेज। कैरेज मतलब क्या होता है, ट्रक टेम्पो का भाड़ा, गुड्स लेने के लिए या देने के लिए क्या करते हैं, लेके आने के लिए या फिर लेके जाने के लिए जो भाड़ा भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं। तो पे किया यानी पेमेंट साइड में आएगा, है ना। कितनी तारीख है, 20 बाय कैरेज अकाउंट। कितना पे किया, 100 कैरेज पेड, ठीक है। नेक्स्ट पेड सैलरी, अगेन पेड है यानी पेमेंट साइड में आएगा, 25 बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी पेड 500, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे इसको। जैसे लेजर आप लोगों ने किया हुआ है तो लेजर की टोटलिंग आपको पता है, तो सेम उसी तरीके से इसको भी टोटल करना है। टोटल टोटल क्योंकि कैश है तो कैश की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट साइड। मतलब देखो रिसीप्ट साइड का ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा कैश में। क्यों, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, याद रहेगा। तो इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। आप सोच सकते हो क्या, आपके जेब में 100 रुपये और 500 रुपये खर्चा कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 2, 8 और 5, 13 एक कैरी के लिए तो 4300। यहाँ पे भी कितना आएगा, 43। तो 4300 आपके पास आए और आपका खर्चा कितना हुआ, तो साइड में टोटल ले लो, 0 0 5 और 6 और 5 11 कितना कैरी हो गए, 1 1 और 1 2 तो 2100 आपने खर्चे कर दिए। तो 4300 में से 2100 गया तो कितना बचा है, 2200। यहाँ पे कितना लिखोगे, 2200। ये कौन सा फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, कौन सा बैलेंसिंग फिगर। तो हम लोग ये अच्छा टोटलिंग का भी करते हैं मंथ एंड या फिर ईयर एंड में। तो फिलहाल आपने कुछ दिया नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ एंड करेंगे। तो मार्च, मार्च में क्या आएगा, 31st क्या लिखोगे, बाय कैरी डाउन, क्लोजिंग के टाइम पे कैरी डाउन, ठीक है। टोटल के ऊपर कैरी डाउन, टोटल के नीचे ब्रॉड डाउन। तो अब सीढ़ी, सीढ़ी कैसे होती है, क्रॉस होती है ना, तो सीढ़ी उतनी क्या गिनेगा, 2019 मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल, अप्रैल 1 क्या लिखोगे, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, 20, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज के हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे।